जीवन किसी पानी के बुलबुले से कम नहीं और इसलिए इसे क्षण भंगुर यानी पल भर में मिटने वाला कहा गया है। समय समय पर ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जो उस प्रसिद्ध फिल्मी गीत की पंक्ति याद दिलाते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। पिछले अरसे में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें देखते ही देखते किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के दिल्ली स्थित जोनल ऑफिस के बोर्ड रूम में जब एजीएम प्रवीण नायर का विदाई समारोह चल रहा था तो वे अचानक कुर्सी पर बैठे बैठे मेज पर ही लुढ़क गए। समारोह में अपने सभी साथी सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए यह घटनाक्रम घटित हुआ। नायर के सभी रिश्तेदार, परिजन और दोस्त भी वहां मौजूद थे। यह घटना इसी साल 31 जनवरी की है। यह वीडियो 1 मिनट 14 सेकंड का है। उन्होंने 1 मिनट में आखिरी वाक्य समाप्त कर दिया और इसके बाद अचानक मेज पर गिर गए। देखते ही देखते नायर की जीवन लीला समाप्त हो गई और यह सब सिर्फ 14 सेकंड में हुआ। आखिरी वाक्य बोलने के बावजूद नायर को नहीं पता था कि यह उनका आखिरी समय होगा, यानी मौत से 1 मिनट पहले भी कहा नहीं जा सकता कि मृत्यु सिर्फ 1 मिनट दूर है। Used it. Best conducted effort that I should use that he has used for to make it a very happy retirement for me. And simultaneously, I am very much thankful to Mr. Lalit, Mr. Tripathi ji, and all my colleagues that their blessing and their good wishes were with me that I could see this very happy retirement today. Blessed retirement today. वहीं इसी तरह की घटना राजस्थान में भी सामने आई थी। यहाँ फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गीत तुझे देखा तो ये जाना सनम पर परिवार के युवक युवती अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। इस गाने में एक लाइन है, तेरी बाहों में मर जाएं हम। ठीक इसी पंक्ति पर युवक स्टेज पर अचानक गिर पड़ा। लोगों को लगा कि वह अभिनय कर रहा है, लेकिन इस युवक को हार्ट अटैक आया था। ये वीडियो आज से करीब 5 दिन पहले का बताया गया है। बताया जाता है कि बाड़मेर के जसूल गांव का निवासी यह युवक जोधपुर गया था और यहां एक मैरिज एनिवर्सरी समारोह में उसने डांस किया और इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया। बेहोश होने के बाद वह होश में आया और जोधपुर से अपनी गाड़ी चलाकर जसूल पहुंचा, लेकिन ढंग से इलाज ना कराने के कारण अगले दिन सुबह अटैक आने की वजह से युवक की मौत हो गई बताई गई। कुल मिलाकर इन घटनाओं ने दर्शाया कि जीवन की डोर अदृश्य हाथों में है और इसे भाईचारे के साथ और सही रास्ते पर चलते हुए जितना भरपूर जिया जाए जीना चाहिए।